शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बनाने का मौजू है कि काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था कि छोटे बच्चों की खुराक के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों की का वंडा स्टार्टर वंडा हम लोग क्या दे सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो बना रहे थे। अक्सर देखें माशाल्लाह से बकरे बच्चे जो पैदा होते थे कि वो अपनी पैदाइश के 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर जो अपना खुराक खाना शुरू कर, जिसके अंदर स्टार्टर जो उनका वंडा कुदरती तौर पर इस्तेमाल होता है वो होता है जंतर या बरसिन, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो छोटा बच्चा है वो बरसिन और जंतर को खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो खुराक रही तो देखें, अगर आप मार्केट से ख़रीद के बच्चे लेके आए तो मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि कभी भी अगर बकरी के छोटे बच्चे ख़रीदें माँ के बगैर तो एटलीस्ट कम से कम भी 2.5 मतलब 2 महीने या 2.5 महीने के बच्चे होने चाहिए। इससे अगर आप छोटे बच्चे ख़रीद लेंगे थोड़ी बहुत लालच में या मोहब्बत में आके तो वो आपको पालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नए बंदे के लिए, क्योंकि जो है अक्सर बकरी के बच्चे जो है वो नहीं जी पाते हैं क्योंकि उनको दूध दूसरी बकरी का जो दूध है उनको नहीं लग पा रहा होता है, ना उनका डाइजेस्ट सिस्टम सही होता है, तो वो क्या होता है ना दूसरा दूध पी सकते हैं ना खाना वाना खा भी नहीं सकेंगे, तो वो एट द एंड आके वो मर जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप ख़रीदें तो बकरी के साथ ख़रीदें, नहीं तो छोटे बच्चे ख़रीद रहे हैं तो कम से कम भी 2.5 से मतलब 2.5 महीने तक के बच्चे आपको ख़रीदने चाहिए। तो रहा उसी खुराक के हवाले से, देखिए जब भी छोटे बच्चों की खुराक यही रहेगी, एक वक्त का मैं आपको खुराक बता देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको चाहिएगा 1/2 पाव जौ का दलिया, सारा चीज़ें इसमें दलिया इस्तेमाल होगी, कोई भी चीज़ साबित इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि छोटा बच्चा है और छोटा ही उसका मैदा होता है, थोड़ा मतलब थोड़ी मुश्किल होती है उसको बड़े चीज़ें हज़म करने में। तकरीबन आपको चाहिए होगा 1/2 पाव दलिया जौ का, 1/2 पाव चाहिए होगा आपको दलिया गंदम का, इसके अलावा चाहिए होगा चना, वो जो चने का जो छिलका होता है हमारा, जो काला चने का छिलका जिसे हम लोग कहते हैं, तकरीबन आपको वही डालना पड़ेगा इसमें 1/2 पाव चने का छिलका, और इसी के अंदर आप डाल दें जो है 1/2 पाव भूसी या चोकर जिसे हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें डाल के तकरीबन इसमें 1/2 गिलास थोड़े से कम पानी मतलब मिला के आपको मैरिनेट करके थोड़ा मतलब गीला करके उसको खिलाना है। इंशाल्लाह इन चारों चीज़ों के इस्तेमाल से आपका बच्चा माशाल्लाह शौक से भी खाएगा, 1/2 पाव चीज़ें मतलब सारा मिला के वो 1/2 किलो हो जाए तो बहुत है ही है। तो कुछ खा लेगा कुछ बचेगा तो उसकी माँ के आगे दूसरे बकरों के आगे आप डाल सकते हो, माशाल्लाह वो भी शौक से खा जाएंगे। ये सब दलिया इंशाल्लाह इस्तेमाल करो, चारों चीज़ें 1/2 पाव जौ, 1/2 पाव गंदम, 1/2 पाव चने का छिलका और 1/2 पाव चोकर या भूसी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें। और अच्छा बनाना चाहे तकरीबन इसमें 1 अदद जो है सेरेलेक का साचे डाल दें ताकि उसके अंदर जायका आ जाए, बच्चा उसकी स्मेल या खुशबू की वजह से और अच्छी तरह से खा ले। और ये सब चीज़ें आपको तकरीबन मतलब जो है दिन में 2 दफ़ा देनी है, दिन भर मतलब वो जितना जंतर खाए वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ये खुराक मैंने आपको वंडा बताया तकरीबन आपको 2 दफ़ा इसको देना है, एक टाइम सुबह के टाइम पर मतलब 12:30-12 बजे और एक दफ़ा मतलब शाम के टाइम में, ये 2 दफ़ा इंशाल्लाह दें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बच्चा अच्छी तरह से ग्रोथ भी पकड़ेगा और अच्छी तरह से जो उसकी खुराक भी खाएगा और अपनी नशोनुमा अच्छी तरह से कर लेगा। इसके अलावा तकरीबन जेंटल सिरप से आप इसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, डिवॉर्मिंग का तरीकेकार मेरे चैनल पर मौजूद है कि बकरी के छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग किस तरह से की जाती है। जेंटल तकरीबन आपको 5 से 10 CC इसको पिलाना है बच्चे को 2 महीने तक का बच्चा जो उसका जो उसकी उम्र होती है 2 महीने तक, उसको जो है आपने जो है वो 10 CC या 5 CC आपको जेंटल सिरप पिला देना है, इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से आपके बच्चे की डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी, खुराक भी अच्छी तरह से खाएगा और आपका बच्चा जल्द से जल्द अपनी नशोनुमा की तरफ पहुँच जाएगा। शुक्रिया।